कंटेंट, तरीका, नोट्स लिखने वाली समस्या, जो सबका सॉल्यूशन निकल के आया ना, मैं खुद भी मेरे दोस्त कल्पना नहीं कर पा रहा था कि इतना अच्छा होगा। होगा ये मैंने सोचा था कि होगा, हम बहुत डिफरेंट करेंगे, लेकिन मैंने ये कल्पना नहीं की थी कि ऐसा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? मतलब यूं मान के चलो कि हमारे पास तो अभी प्रेजेंट टाइम पे सिचुएशन ये हो रही है कि फोन उठाने का भी टाइम नहीं है। अगर किसी मिलने वाले का फोन आ जाए तो फोन अटेंड करके उसको ये कहने का भी टाइम नहीं है कि हाँ भाई क्या हाल चाल है, इतना भी टाइम नहीं है। इतने व्यस्त बेटा, इतनी व्यस्त लाइफ है अभी आप लोगों का काम करने में, और खास करके अचीवर का काम करने में। बेटा अचीवर पे जो वर्क कर रहे हैं ना, जो आपका कंटेंट रिफाइन किया जा रहा है, रिफाइन बिल्कुल निचोड़ निकाला जा रहा है, और आपको फिर उसको सिखाया जा रहा है, क्योंकि सबसे कठिन चीज होती है बेटा कंटेंट को रिफाइन करना। दिमाग लगाना पड़ता है उसके अंदर बहुत हैवी, और फिर उसके लिए 5 किताबें पढ़नी पड़ती है। 5 किताबें पढ़ो पहले, पढ़ करके फिर उसको कंटेंट को बनाओ, बना के और फिर उसको रिफाइन करो, रिफाइन करके फिर अगले दिन उसको डिलीवर करो। रात को 2-2, 3-3 कब बज जाती है बेटा पता ही नहीं चलता, 2-3 बजे सोना होता है, फिर सुबह जागना है वापस 6, 6:30, 7 बजे। अभी मैं कह रहा हूं ना कि अभी तो आपके अलावा अगर किसी कोई और व्यक्ति कुछ पूछ लेना तो बस ये समझो कि अगर स्टूडेंट ने कुछ पूछ लिया तो बच गया, लेकिन स्टूडेंट के अलावा अगर कोई कुछ पूछ लेना कि क्या हाल है सर, क्या हाल चाल है, ये मान के चलो अभी फिलहाल तो जवाब देने में भी ऐसा होता है ना कि यार क्या करें। समझ गए आप सब मेरे दोस्तों? आपको भी पूरी मेहनत करते रहना है। मेरी इच्छा है आप लोगों से कि यार अपनी जो ये परीक्षा चल रही है, जो मेहनत चल रही है, इसका एक अच्छा परिणाम अपन को मिलेगा, ऐसी उम्मीद है हम लोगों को। इसलिए हम इतने समर्पण भाव से बच्चों के साथ खड़े हैं, आप लोगों के लिए खड़े हुए हैं, आपके कैरियर को बनाने के लिए। बेटा आगे एक बार अगर हम कैरियर बना देंगे तो हमें बहुत खुशी होगी कि हमने जो मेहनत करी है उसका परिणाम आ गया है। अगर हम साकार हो गए ये कर पाने में तो बड़ी बड़ी खुशी होगी, और इससे भी ज्यादा खुशी होगी कि अच्छी रैंक के साथ अगर मैं आप लोगों को निकलवा दूं, बड़ी खुशी होगी, मुझे संतुष्टि आ जाएगी कम से कम कि हाँ यार अपन ने 2.5-3 महीने तक जो रात दिन एक किया उसका परिणाम आ गया, ऐसी खुशी हो जाएगी। तो मेरी आशाओं को मत तोड़ना बेटा, पहले मैं आपसे इतनी सी गुजारिश कर रहा हूँ बस कि आशाओं को मत तोड़ना, निराश मत करना। मैं ऐसी इच्छा रख रहा हूँ कि हाँ आप लोगों को देख तो नहीं सकता, आप लोगों का मुझे पता तो नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, कितने हावर आप पढ़ाई को दे रहे हो, लेकिन ऐसी उम्मीद है, ऐसी इच्छा है कि हाँ आप मेरी बात को मान रहे हो, आप एक दिल से गुरु मान रहे हो और गुरु की कही हुई बात को दिल से ही आप फॉलो कर रहे हो, ऐसा उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो मेरे विश्वास को मत तोड़ना आप लोग, निराश मत करना, मैं जैसा उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों से वो उम्मीद बरकरार रखना, कोशिश करना कि सर का दिया हुआ एक एक वचन हमें निभाना है। मुझसे ज्यादा ये परीक्षा आपकी है, आप साथ नहीं दोगे तो मैं कितना भी अच्छा पढ़ा दूं, कितना भी बेस्ट कर दूं, कितनी भी रातें जाग जाऊं, कितना भी हार्डवर्क करके आ जाऊं, लेकिन परिणाम नहीं आ पाएगा बेटा। परिणाम के लिए मैं आप पे निर्भर हूं और आप मुझ पे निर्भर हैं, समझे बात को? अगर अपन दोनों की बात करें कोऑर्डिनेशन की, तो कोऑर्डिनेशन क्या कहता है? कोऑर्डिनेशन ये सिलेक्शन जो है ये किसी एक जने की बस की बात नहीं है, इसके लिए बहुत सारे लोगों की टीम इसके पीछे लगी होती है, जैसे कि कंटेंट बनाने वाले, क्लासेस को लाइव करने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए, फिर पढ़ाने के लिए, और फिर सबसे बड़े हीरो इसके अंदर होंगे आप जो मेन युद्ध लड़ने जाओगे। तो मेरे दोस्त हम दोनों को, जैसे आप टोटली मेरे ऊपर डिपेंड है और मैं आपके ऊपर डिपेंड हूँ, आप अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? यानी कि मेरी बात जो है वो सच तभी हो पाएगी, मेरी मेहनत सच तभी हो पाएगी, परिणाम में तभी बदलेगी जब आप मेहनत करेंगे, और आप तभी पढ़ पाओगे जब हम मेहनत करेंगे। तो मेरे दोस्तों दोनों को बहुत कठिन परीक्षा है, ये दोनों की परीक्षा है, आपकी नहीं मेरी भी परीक्षा है, दोनों की कठिन परीक्षा है। दोनों को अपनी अपनी ईमानदारी रखनी है, अपनी अपनी ईमानदारी से मेहनत करना है, और फिर उसके बाद सबसे ऊपर होता है ईश्वर,
वो हमें कृपा करेगा। हमें इतनी मेहनत कर देनी है कि हमें मेहनत, हमारी मेहनत देख के ईश्वर परिणाम के लिए मजबूर हो जाए। हमें इतनी मेहनत डाल देनी है इस पढ़ाई में कि ईश्वर भी एक बार हमारी मेहनत को देखे तो देखकर सोचने पे मजबूर हो जाए कि नहीं यार, अब तो इनको परिणाम देना ही पड़ेगा। तो बात समझ गए बेटा, अचीवर कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अचीवर जो क्लासेस हम करवा रहे हैं अभी आपको प्रेजेंट टाइम पे, ये बेटा अविश्वसनीय क्लासेस है, अविश्वसनीय। मैं सच में अगर मेरे दिल से बोलूँ ना आपको, अगर मेरी भावनाओं से आप सुनना चाहते हो ना, मेरे दिल से सुनना चाहते हो ना, तो बेटा मैं बोलूँ ना, जब अचीवर मैंने लॉन्च किया था ना, मुझे भी पता नहीं था, मुझे भी नहीं पता था कि क्या करूंगा और कैसे करूंगा। इतना बड़ा काम हमने ले तो लिया यार, करेंगे कैसे, सोच लिया, प्लान कर लिया, सब चीजें कैसे होगा, कैसे करेंगे, ये हमें लास्ट टाइम तक पता नहीं था। लेकिन करना था, बस इच्छा थी। ईश्वर से कहा कि ईश्वर हमने ऐसी कामना की है कि हम एक ऐसा बैच बच्चों को दें जो बहुत अफोर्डेबल हो, जिसको बच्चे आराम से वहन कर ले। इतनी इतनी ज़्यादा ज़्यादा फीस बच्चे वहन नहीं कर पाते हैं, और उसमें हमने कल्पना की थी कि हम बिल्कुल ऐसा निचोड़ देंगे स्टूडेंट्स को, और हम उन लोगों की खासकर मदद करेंगे जो लोग जॉब नहीं लग पा रहे हैं, जो टेंशन में आ रहे हैं, जो स्ट्रेस में जा रहे हैं, दो तीन साल से प्रयास कर रहे हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं लेकिन उनके साथ में ऐसा कोई टीचर नहीं खड़ा है जो वाकई में बहुत अलग हो, बहुत मेहनत करने वाला हो। और ये सब चीज़ें मैंने जब एनालाइज की ना, तो मैंने कहा कि यार क्यों ना, मेरी टीम की मीटिंग ली और मीटिंग लेकर के मैंने कहा कि क्यों ना यार हम ऐसा कुछ करें कि उन्हीं बच्चों को इस पे हम वर्क करें, जो उन्हीं बच्चों का लक्ष्य पूरा हो, उन बच्चों को मदद मिले जो खासकर तैयारियों से जूझ रहे हैं, कोचिंगें कर ली है, पढ़ाइयाँ बहुत कर ली है, गाइडेंस होल्ड कर ली है, लेकिन उनको पता नहीं लग पा रहा है कि आखिर कमी कहाँ है। तो फिर मेरे मन में विचार आया कि हम क्यों ना एक ऐसा अफोर्डेबल अचीवर स्टार्ट करें जो सिर्फ और सिर्फ रिपीटर्स को ही एडमिशन दे और उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ होमवर्क करें जो स्टूडेंट इस तरह की कैटेगरी में आते हैं। तो मैंने स्टार्ट कर दिया। लेकिन मेरे दोस्त, आप ताज्जुब मानोगे कि जो आज अचीवर का पैटर्न, कंटेंट, तरीका, नोट्स लिखने वाली समस्या, जो सबका सॉल्यूशन निकल के आया ना, मैं खुद भी मेरे दोस्त कल्पना नहीं कर पा रहा था कि इतना अच्छा होगा। होगा ये मैंने सोचा था कि होगा, हम बहुत डिफरेंट करेंगे, लेकिन मैंने ये कल्पना नहीं की थी कि ऐसा हो जाएगा। और आज मैं खुद भी अपने इस कार्य को देख करके सरप्राइज्ड हूं, शॉक्ड हूं, यार ये संभव कैसे हुआ। और ऐसा संभव हुआ, स्टूडेंट्स की नोट्स लिखने की समस्या बिल्कुल खत्म, यानी कि बस एक या दो पेज, यानी 10 या 20 पॉइंट उसको लिखना रहता है डेली का, आधे घंटे एक घंटे में मुश्किल से वो लिख लेता है। दूसरी समस्या थी कि यार पढ़ाना बहुत आसान है, कोई भी पढ़ा देता है, लेकिन यहां से बात वहां पर बिठाना, एक एक क्वेश्चन, एक एक बात, और वो हम कर पाए। तीसरी सबसे बड़ी बात थी कि सॉन्डर्स, एनक्लिक्स, मॉसबी, ये सोल करवाना कोई भी करवा सकता है, मैं ये नहीं कहता, कोई भी करवा सकता है, लेकिन ऐसा चमत्कार कि बच्चे आंसर बता दें सारे क्वेश्चंस के, स्टूडेंट आंसर बता दे सारे क्वेश्चंस के, ये कौन सा चमत्कार भैया? ये चमत्कार मैंने साक्षात देखा है। हम नहीं बताते अब आंसर, आंसर आप बताते हो, और आप पूरी सॉन्डर्स, एनक्लिक्स, मॉसबी, कुछ भी हो, आज मजाक लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई साहब ये पहाड़ जैसा काम कैसे संभव हुआ। चौथी बात इसके अंदर थी बेटा कि यार इतनी बड़ी बड़ी गाइडें, सिलेबस इतना बड़ा, इतना विशाल सिलेबस, कैसे सिलेबस करवाएंगे अपन? दो ढाई महीने का समय है, कैसे सिलेबस करवाएंगे? ये एक बहुत बड़ा टेंशन का मुद्दा था कि यार कैसे करेंगे, और करेंगे तो पढ़ाने में सबसे बड़ा टास्क होता है कि जो स्टूडेंट को हम पढ़ा रहे हैं क्या उसको लर्न हो रहा है, अगर हो रहा है तो ही आगे बढ़ेंगे ना, अगर हो ही नहीं रहा, लर्न ही नहीं हो रहा, उसको समझ में ही नहीं आ रहा, अपन कुछ भी लिखाए जा रहे हैं, रोज कॉपियां भरवा दी अपन ने, बच्चे से पूछो तो वो यही कि आना माना टीटी, घर जा डुकरिया पीटी, तो कोई औचित्य नहीं होता है।
तो बेटा मैंने फिर और भी इस चीज पे विचार किया कि यार कैसे इतनी बड़ी बड़ी गाइड्स, उनके सबके क्वेश्चंस, उनका निचोड़, हम कैसे बच्चों को बिल्कुल ऐसे कम समय में कंप्लीट करवाएं। वहां भी मेरी ईश्वर ने मदद करी। तो आप समझ सकते हो बेटा कि यह अचीवर बैच कितनी जिम्मेदारी का बैच है और किस तरीके से यह संभव हुआ। मैं तो आज भी ईश्वर का धन्यवाद करते करते बैठा रहता हूं, धन्यवाद करता हूं कि यार ये जो करके दिखाया ना, ये इतने लोगों की जिंदगी बनाएगा। और उसके बाद अचीवर वन का फुल हो जाना, फिर अचीवर टू लॉन्च करना, और अभी संभावना बन रही है कि मुझे अचीवर थ्री भी लॉन्च करना पड़ सकता है। उसके बाद जो स्टूडेंट्स का इसके अंदर क्रेज और जो बात समझ में आई, भाई साहब मैं बता नहीं सकता, मतलब आपको शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूं, ये बैच है या कोई चमत्कार है, क्या है ये और कैसे हुआ मुझे भी नहीं पता कैसे हुआ। बस मैंने तो सोचा था कि ईश्वर मुझे ये सब करना है, ये सब करना है। और जो स्टूडेंट आज सॉन्डर्स एनक्लिक्स मॉसली लिपिनकोट इनसे डरते हैं, उनका डर निकालना है, उन्हीं से ऐसा चमत्कार कर दो कि उन वही लोग सोल्व करना शुरू कर दे, वही लोग सारे क्वेश्चंस के जवाब दे दे। और इस बैच से ये मैं संभव कर पाया। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ गॉड। अगर कोई मुझसे पूछे ना कि गॉड होता कि नहीं होता है, मैं बताऊंगा कि गॉड होता कि नहीं होता है, गॉड क्या होता है और भक्ति में क्या शक्ति होती है, कि मैंने अनुभव किया है बेटा। इसलिए आप लोगों को कहता हूं कि मुझे पता है कि अगर आप थोड़ा सा भी उस तरफ अटैच होना, गॉड को मानते हैं, गॉड से अटैच है ना, तो जिंदगी की ऐसी राहें आपको नजर आएगी, रास्ते नजर आएंगे कि आप देख के खुद भी शौक हो जाओगे, खुद भी चकरा जाओगे। और हम फिल्मी गाने सुनते हैं, फिल्मी गानों से कुछ नहीं होता है। एक बार आप सुन के देखो कोई अच्छी अच्छी चीजें ईश्वर से रिलेटेड, आपका दिमाग इतना तंदुरुस्त हो जाएगा। मेरे माइंड में इतनी क्षमता, इतनी पावर कहां से आई मुझे भी ये नहीं पता, लेकिन मुझे इतना भरोसा है अपने आप पे कि मैं जिस टॉपिक को हाथ लगा दूंगा ना, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, जरूरी नहीं है मेडिकल सर्जिकल का हो, अगर मैं किसी भी टॉपिक को हाथ लगा दूंगा ना एक बार, तो कोई माइका लाल नहीं है जो उस टॉपिक को चैलेंज कर दे। ये मेरा अनुभव रहा है, ये तारीफ वाली बात नहीं है, लेकिन बेटा ईश्वर ने मुझे वो क्षमता, वो ब्रेन दिया है कि आज मैं जो पढ़ा देता हूं वो स्टूडेंट्स को लर्न हो जाता है, और वही कहने लग जाते हैं कि सर वाकई में आ गया हमें। और थोड़ा सा साथ यदि अगर स्टूडेंट भी दे देता है ना, अगर वो भी रिवाइज कर ले एक दो बार उस टॉपिक को, तो मुझे मेरे छात्र पर उससे खुद से ज्यादा भरोसा है। जितना भरोसा आपको नहीं होगा ना, उससे ज्यादा भरोसा मुझे है आप लोगों पे। एक बार पढ़ाने के बाद, बस मैं एक बार पढ़ा दूं और एक बार मेरी क्लास को आप लोग अच्छे से पढ़ लो, अटेंड कर लो, उसके बाद मैं दावे से कह दूं कि अब एग्जामिनर की बस की बात हो तो मेरे स्टूडेंट से आकर के वो लड़ाई लड़ ले और उससे पूछ ले क्या पूछना है। तो बेटा ये सारी बातें हैं, बाकी हजारों बातें हैं बताने के लिए, लेकिन जैसे जैसे समय आता जाएगा बताता जाऊंगा, वैसे वैसे आपको सिखाता जाऊंगा। आई थिंक कि एक्सट्रीम लेवल से गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आप लेक्चर शुरू कर रहा हूं, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा एड्रीनल ग्लैंड के डिसऑर्डर। क्या पढ़ाऊंगा? एड्रीनल, और टॉपिक वाइज चल रहा है अपना सारा मामला एड्रीनल ग्लैंड डिसऑर्डर। एड्रीनल ग्लैंड डिसऑर्डर से पहले वही मैं आपको एड्रीनल का थोड़ा सा समरी सिखाता हूं, क्या होता है, कैसे होता है।